आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आबकारी अधिकारी घनशु लाल मरावी ने शाम 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी टीम को सूचना मिली कि मंडला की ओर से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर जबलपुर कार द्वारा लाई जा रही है। वहीं सूचना पर तत्काल कार्यवाही को लेकर बरेला बायपास में नाकाबंदी करते हुए वाहनों को चेक किया जाने लगा। वहीं सामने से आ रही वैगनार क्रमांक एमपी 04CB1708 पुलिस को देखकर मैगवा की ओर तेजी से भागने लगा। वहीं पुलिस ने उक्त वैगनार का पीछा किया, जहां स्पीड ज्यादा होने से वैगनार नहर के पास जाकर पुलिया में टकरा गई, जिसमें ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जिसे कोई चोट नहीं आई थी। वहीं गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 10 बोतल अंग्रेजी शराब कीमत 85,000 रूपये की पाई गई, जिसे जब्त करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आज सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि मंडला की ओर से एक वैगनआर कार में अवैध शराब लेकर के आया जा रहा है जबलपुर की ओर। सूचना पर लगभग 12:30 बजे के आसपास वहां नाकाबंदी की गई थी और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था। एक वैगनआर कार जो है तो नाकाबंदी में ना रुकते हुए खालसा कॉलेज रोड में गांव की ओर, महगमा की ओर जो है तो गाड़ी को मोड़ दिया। शंका होने पर उसका पीछा किया गया तो वो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दिया और जाकर के नहर के पुलिया से जो है तो टकरा गया और गाड़ी पलट गई। फिर जाकर के गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 10 पेटी विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। गाड़ी पलटने से भी ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं हुआ है, हालांकि गाड़ी काफ़ी डैमेज हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। कितनी लागत की? लगभग 85,000 करीब कीमत है अंग्रेजी शराब की और गाड़ी की कीमत लगभग 3 लाख होगी।